नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विपुल राजभाई और स्वागत है आपके अपने चैनल विपुल एजुकेशन में। दोस्तों, रीट 2019 शिक्षक भर्ती राजनीति विज्ञान वनलाइनर क्वेश्चन सीरीज पार्ट नंबर 10 आ रहा है। आज जो है हम पार्ट नंबर 10 देखेंगे। हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो बता रहा था व्यवस्थापिका। व्यवस्थापिका संबंधित हम जो है आज लोकसभा के कुछ क्वेश्चन देखेंगे। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे प्यार भरी नंबर भरी ये रिक्वेस्ट है, प्रार्थना है कि आपने अभी तक इस चैनल पर पहली बार आए हैं या चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं, वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए और वीडियो कर दीजिए अभी से लाइक। चलिए देखते हैं आज के क्वेश्चंस। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 131 131 नंबर क्वेश्चन है, लोकसभा का कार्यकाल होता है। तो दोस्तों, लोकसभा का सामान्यतः कार्यकाल होता है 5 वर्ष, लेकिन अनिश्चित होता है क्योंकि आपको पता है कि लोकसभा कभी भी भंग हो सकती है। प्रधानमंत्री कहने पर राष्ट्रपति भंग करता है, विश्वास मत पर न हो तब भी। लोकसभा सदस्यों का कार्यकाल, तो दोस्तों लोकसभा सदस्यों का कार्यकाल भी उतना ही होता है, सामान्यतः 5 वर्ष लेकिन अनिश्चित। लोकसभा का चुनाव, दोस्तों लोकसभा का चुनाव प्रत्यक्ष चुनाव होता है गुप्त मतदान द्वारा। लोकसभा सदस्यों को शपथ कौन दिलाता है? दोस्तों लोकसभा सदस्यों को शपथ जो है प्रोटेम अध्यक्ष दिलाता है। दोस्तों इसमें आपको बता दूं कि प्रोटेम अध्यक्ष को जो है लोकसभा सदस्य अपने राष्ट्रपति उसे नियुक्त करता है और उसे जो है राष्ट्रपति उसे कहता है कि भाई आप सदस्यों को शपथ दिलाओ। सदस्यों को शपथ दिलाने के बाद वो कहता है कि आप अपने में से लोकसभा सदस्य अध्यक्ष चुनो, और जैसे ही अध्यक्ष चुनते वो अपना पद अपनी वो कुर्सी छोड़कर अध्यक्ष को बैठा देता है और वो वापस आकर बैठ जाता है अपनी जगह। अगला क्वेश्चन, लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव, तो लोकसभा अध्यक्ष चुनाव सदस्य अपने में से करते हैं। जैसे इस बार ओम बिड़ला को चुना गया तो सदस्य अपने में से चुनते हैं। लोकसभा उपाध्यक्ष का चुनाव वो भी सदस्यों में से होता है। लोकसभा अध्यक्ष किसे अपना त्यागपत्र देते हैं? दोस्तों लोकसभा अध्यक्ष जो अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को देते हैं, और लोकसभा उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देते हैं? अध्यक्ष को। क्रॉस त्यागपत्र अध्यक्ष उपाध्यक्ष को, उपाध्यक्ष अध्यक्ष को। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे जीवी मावलकर, गणेश वासुदेव मावलकर, जिसे लोकसभा का जनक, लोकसभा का पिता भी कहा जाता है। लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष, तो दोस्तों लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष थे अनंत सैनम आयंगर। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो जिसमें मैंने आपको लोकसभा के संबंध में बता दी। कल हम लोकसभा के कुछ और क्वेश्चन देखेंगे, जैसे वर्तमान में अध्यक्ष उपाध्यक्ष और भी लोकसभा के क्या क्या कार्य हैं वो देखेंगे, और उसके बाद हम राज्यसभा के क्वेश्चन देखेंगे। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर देना, चैनल जरूर सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना न भूले। धन्यवाद दोस्तों।